आज के इस विचार गोष्ठी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है मनुष्यता के इतिहास में, क्योंकि आज के दिन को हम लोगों के प्रतिनिधि यूएनओ के द्वारा मानवाधिकार दिवस के रूप में इसको मान्यता प्रदान की गई है। और इस दिन हम लोगों ने मानवाधिकारों को स्वीकृति प्रदान करके ये मान लिया है कि अब हम पहले से ज्यादा सुसभ्य और सुसंस्कृत हो गए हैं, और आने वाली जो समय है मनुष्यता का वो बड़ा आश्वस्तिपूर्ण और जो है वो निश्चिंतता वाला होगा। लेकिन इस मानवाधिकार के पीछे के दर्शन, इसकी अंतरधाराएं, इसके पीछे के जो परिस्थितियां रही हैं, उनके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर महेश कौल जी, जो कि पोस्ट डॉक्टरल ICPR फेलो न्यू दिल्ली हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो हम सीधे सीधे अपनी बातचीत पर आते हैं और इस चर्चा को हम देखने की कोशिश करते हैं कि जिनको हमने विशेष रूप से पश्चिमी मानवाधिकार कहा है वो क्यों कहा है, और उनकी संस्कृत शास्त्रीय समीक्षा की जब हम बात कर रहे हैं तो उससे हमारा क्या अभिप्राय है, और क्या मानवाधिकार पश्चिमी और पौर्वात्य, क्या इस तरह का विभाजन करना युक्तिसंगत है या नहीं है, इन सब विषयों पर हम चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ ये भी देखने की कोशिश करेंगे लगभग अगले 10 मिनट में, कि 10 से 15 मिनट के बीच बीच में जो मैं आप लोगों के साथ पावर पॉइंट्स साझी करूंगा, कि क्या पश्चिमी मानवाधिकार का जो स्वरूप है, क्या उसी तरह से एक अल्टरनेटिव हम अपनी भारतीय मेधा के आधार पर भी कोई मानवाधिकारों का एक प्रारूप प्रस्तुत कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या हर बार हमें पश्चिम के द्वारा दिए गए जो कुछ फॉर्मेट्स हैं, नरेटिव्स हैं, डिस्कोर्सेस हैं, उन्हीं को हमें स्वीकार करना होगा। तो उस सारे विषय पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ बहुत सारे कॉलेजेस भी जुड़े हुए हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, और विशेष रूप से मैं एक्नॉलेज करना चाहूंगा कि डिपार्टमेंट ऑफ लिंग्विस्टिक्स एंड पंजाबी लेक्सिकोग्राफी, ये हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं। इससे पहले अमेठी यूनिवर्सिटी और सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा, ST एजुकेशन बोर्ड दिल्ली और कई संस्थाएं हमारे साथ इस तरह के विषयों पर जुड़ी रही हैं। तो आप सीधा सीधा अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि एक और जो भारतीय सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त जो लोगो है, जिसमें सर्वे भवन्तु सुखिनः लिखा हुआ है, और उसके साथ ही आप अपनी परंपरा में दो पंक्तियां देखें, और मुझे लगता है कि उसके आधार पर हम सारे का सारा मानवाधिकार का प्रारूप खड़ा करने का प्रयास करेंगे और पश्चिमी मानवाधिकारों की हम समीक्षा भी करने की कोशिश करेंगे। तो पुमान पुमानसम परिपातु विश्वता, ये ऋग्वेद के हैं। हालांकि जो मानवाधिकार के सेकुलरिस्ट लॉबी है, लेफ्ट लॉबी है, वो इस तरह की चीजों को बड़ा पिछड़ा हुआ कहती रही हैं, लेकिन उत्तर तो फिर भी हम उनसे अपेक्षित करते हैं कि इस तरह के जो वाक्य हमें मिलते हैं उन वाक्यों के बारे में उनकी क्या राय है, या वो बस एक रिजेक्शन के मोड में ही जीते हैं। और दूसरा एक मंत्र और है, केवल एक पंक्ति, यांश्च पश्यामि यांश्च न तेषु मा सुमतिं कृधि। The people I know and the people who are not known to me, they must be protected by my positive and constructive approach. अब आपके जो 30 आर्टिकल हैं उनके हम मूल्यांकन, और साथ ही साथ जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको भी इन दो मंत्रों के बीच में हम मूल्यांकित करने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले इस चित्र को थोड़ा सा ध्यान में रख लेंगे तो हमें समीक्षा का अर्थ भी समझ में आने लगेगा कि ये ह्यूमन राइट्स के नाम पर जो कुछ चल रहा है और जिस तरह का व्यवहार हो रहा है, और अफगानिस्तान इसका ताजा हमारा उदाहरण है कि किस तरह से वहां पर स्त्रियों के साथ और अन्य जो अल्पसंख्यक समुदाय है उनके साथ क्या हो रहा है, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए विश्व जो चेतना है, विश्व समुदाय है, वो क्या कर रहा है, और किस तरह से अमेरिका और तालिबान आपस में कॉन्ट्रैक्ट्स को साइन करके और
ह्यूमन राइट्स जो है वो दुनिया भर को सिखा रहे हैं। इससे पहले मैं आगे चलूं, हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर सुमनप्रीत जी जो कि हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ लिंग्विस्टिक्स एंड पंजाबी लेक्सिकोग्राफी पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हम उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं और अपेक्षा करते हैं कि निकट भविष्य में वो सभी के सभी हमारे इन अकादमिक उद्यमों के साथ जुड़े रहेंगे। आज का ये कार्यक्रम जो है वो संक्षेप में इस प्रकार से रहेगा, लगभग अगले 10 से 12 मिनट जो है वो प्रेजेंटेशन हमारी रहेगी संस्कृत डिपार्टमेंट की, उसके बाद ओपन हाउस डिस्कशन है, आप लोग अपनी अपनी राय, अपनी अपनी समीक्षा, अपनी आलोचना या जो भी आपको उचित लगता है वो संक्षेप में सारूप में हमारे साथ साझा करेंगे, और लास्ट में जो है प्रेसिडेंशियल रिमार्क्स जो है वो हमारे जो मुख्य वक्ता डॉक्टर महेश कौल हैं जो कि पोस्ट डॉक्टरल ICPR फेलो न्यू दिल्ली हैं, वो हमने इसका इसके ऊपर अपने रिमार्क्स देंगे कि जो कुछ हम विचार करने के लिए उद्यत हुए हैं क्या वो उचित भी है, तर्कसंगत भी है या नहीं है। चलिए, ये हमारे पास आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कुछ एक शब्दावली है जिसके आधार पर हम सारी चर्चा को फोकस करने की कोशिश करेंगे, जिसमें धर्म अर्थ काम पुरुषार्थ जिसे आप कहते हैं, तो पुरुषार्थ का अधिकार ना तो आपके संविधान में दिया गया है ना ही आपके जो 30 आर्टिकल्स हैं ह्यूमन राइट्स के उनमें दिया गया है। क्यों नहीं दिया गया, ये सारी चर्चा को हम लेंगे, और इन शब्दों के आधार पर हम कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, कौन सा ऐसा प्रारूप बना सकते हैं, उसको हम मूल्यांकन करेंगे, और साथ ही साथ उस स्ट्रेटेजी को जो भी भारतीय आधार पर स्ट्रेटेजी बनाएंगे उसको हम पोटेंट कैसे बनाएं, सक्षम कैसे बनाएं, प्रभावी कैसे बनाएं। तो कुल मिलाकर के दो शब्दों को आप जरूर पकड़ के रखें, एक पुरुषार्थ और दूसरा येषणाएं। तीन तरह की येषणाएं होती हैं, पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा, ये आप सभी जानते हैं, मुझे ज्यादा व्याख्या करने की अपेक्षा नहीं। लेकिन आगे चलने से पहले कुछ प्रश्न और ले लीजिए, हालांकि ये कल हमने साझा भी किए थे, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और सोशल साइंसेज में जो हमें पढ़ाया जाता है वो क्या पढ़ाया जाता है कि हम सारे के सारे जो हैं ह्यूमन राइट्स हमने वहां से लिए हैं और उसका कोई मुकाबला नहीं है, वो अल्टीमेट है। लेकिन अपने संदर्भों में अगर हम ये प्रश्न देखें कि क्या भारतीय शिक्षाविदों या बुद्धिजीवियों के पास अपने परिवेश या यथार्थ के अनुकूल मानवाधिकार संबंधी कोई शब्द या अवधारणा है, आप इन स्क्रीन के ऊपर जो लिखा हुआ है मैं सब कुछ नहीं पढ़ना चाहता क्योंकि समय मैं बचाना चाहता हूं, आप उसको पढ़ लीजिए, एक दो मैं पढ़ दूंगा लेकिन बाकी सब आप पढ़ लीजिए ताकि हम आगे चल सकें, अग्रसर हो सकें। तो कुल मिलाकर के इस स्लाइड का सार ये है कि हम भारतीयों की कंट्रीब्यूशन उन 30 आर्टिकल्स के बीच में क्या है, और वो जो फंडामेंटल राइट्स भी दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें से भी भारतीय फंडामेंटल राइट है वो कौन सा है, कोई है भी है या नहीं है, या हमारे पास सिर्फ एक निंदा का पक्ष ही हासिल हुआ है। और ये भी देखें कि इंडियन इंटेलेक्चुअलिज्म ने इस सारे मानवाधिकार के क्षेत्र में क्या मान्य आज तक योगदान दिया है, या वो कनाडा के लॉयर्स ही देते रहेंगे। इस स्लाइड को भी आप देख लीजिए, एक तरफ आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, दूसरी तरफ ह्यूमन राइट्स हैं, और उसके बीच में आप देख पा रहे हैं कि दो प्रॉब्लम्स हैं कि एक और जो हम लोग जिन्हें हम इंडियंस और बनाम भारतीय, मैं इसी तरह से इस सारे विषय को देखता होता हूं, एक तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में आपको दिया गया है पॉलिटिकल आइडल की प्रीएम्बल में जो दिया गया है वो क्या है कि विच कॉन्स्टिट्यूशन अफर्म्स ए लाइफ ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये हमें पकड़ा दिया गया है, और उसका कोई सांस्कृतिक पक्ष नहीं दिया गया है, केवल कॉन्स्टिट्यूशनल दिया गया है। और दूसरी तरफ जो हमें इतिहास के माध्यम से डिस्टॉर्टेड सोशल प्रैक्टिसेस बताई गई हैं जो कि बाहर के इन्वेडर्स जो हैं वो उन चीजों की वजह से, उन अंतर्द्वंदों की वजह से वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो हैं वो हम स्वीकार नहीं कर पाते, उनको हम प्रभावी नहीं बना पाते। अब कुल मिलाकर के संस्कृत की दृष्टि से दो इश्यूज हैं, एक है इस समाज संसार में शुभता की कमी, गुडनेस की कमी, और दूसरा उस गुडनेस को किस तरह से हम व्यवस्थित करें, उसकी स्ट्रेटेजी क्या हो, ये सबसे बड़े इश्यूज हैं मानवाधिकार के संदर्भ में।
और ये इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि दो कॉन्सेप्ट्स अगर आप देखें यहाँ पर तो आपको दिखाई देंगे कि एक और भोग का कॉन्सेप्ट है जिसका मतलब है अपने लिए अधिक से अधिक चीजों को एकत्रित करना, और दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है प्रभुता, कि अपने पास भोग सामग्री इकट्ठी करके दूसरों को एक जेलसी का भाव देना, दूसरों को एक कंपटीशन का भाव देना। इन दो के बीच में आप मानवाधिकार की संस्कृति को कैसे विकसित कर सकते हैं, ये फंडामेंटल सवाल है हमारी ओर से। और ये भी हमें ध्यान रखना होगा कि जितनी क्रांतियों और रेवोल्यूशंस की हम बात करते हैं, वो क्रांतियां केवल राज परिवारों से सत्ता निकलकर व्यापारियों के हाथ में देने वाली बात थी। वो वहां केवल ट्रांसफर हुई है पावर, वो आम आदमी के लिए नहीं गई। और ये क्रांतियां न तो कभी न्याय के लिए थी न ही समानता के लिए थी, क्योंकि आप जिन लोगों ने इतिहास को पढ़ा है, चाहे फ्रेंच रेवोल्यूशन का इतिहास पढ़ा हो, चाहे आपने रशियन पढ़ा हो, तो वो ना न्याय के लिए थी ना समानता के लिए। हाँ, आगे मुखौटा हम लोगों ने जरूर वो लगा रखा है। तो कुल मिलाकर के आप नीचे के आखिरी तीन पंक्तियों को पढ़ें तो मानवाधिकार के संबंध में क्या नीति अभीष्ट है और कैसे मानवाधिकार के संदर्भ में न्याय पर आधारित समानता और स्वस्थ समाज विकसित हो, यही हमारी चर्चा का केंद्र है। अब ये मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ स्लाइड्स, जिसकी वजह से मैं कह रहा था कि क्यों मैं पश्चिमी मानवाधिकारों की बात कर रहा हूँ, कि ये फोटोग्राफ्स इन जर्नल के द्वारा जो है, डेविड एशन हॉर के द्वारा जो है क्लिक की गई थी। आप देखिए कि यहां से आप 30 आर्टिकल्स को लेकर आ रहे हैं जिसका बहुत हम हंगामा खड़ा करते हैं। मैं जल्दी से आई विल जस्ट रन थ्रू दीज स्लाइड्स, ठीक है, कोई इसके ऊपर मुझे ज्यादा जोर नहीं, लेकिन आप लोगों को एक बैकग्राउंड में देना चाहता हूं कि यहां से उठ करके ये मानवाधिकार आ रहे हैं, किसी स्वस्थ समाज से, किसी स्वस्थ दिमाग से नहीं आ रहे। जहां जहां जितनी जितनी हिंसा हुई है वहां से उठा करके मानवाधिकार अपनी शर्मिंदगी को छिपाने के लिए पश्चिम ने वो मानवाधिकार बनाए हैं, स्वस्थ समाज के लिए न स्वस्थ मनुष्यता के लिए। आप इसको देख लीजिए। सो The purpose of this PPT is to understand why human rights, is it because of agrarian culture or industrial compulsions? ये एक fundamental सवाल है, जरूर आप लोग इस पे अपनी अपनी राय देंगे। Further और देखिए आपके, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति तो agrarian culture है, ठीक है, west की जो है industrial है। अब agrarian culture किस तरह से इतनी हिंसा कर सकती है और इतनी ऐसी हिंसा करेगी, ये आप देख सकते हैं। तो दीज आर द फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स थॉट इन द वेस्ट, फिलोसफी ऑफ ह्यूमन राइट्स इमर्ज फ्रॉम दीज ह्यूमन बिहेवियर एंड नाउ दे टीच ह्यूमन राइट्स टू थर्ड वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया। एंड ये एक स्लाइड है, इन द वर्ल्ड ऑफ कॉम्पिटिटिव बिजनेस एंड ट्रेड हु कैन गारंटी ह्यूमन राइट्स। आप आज भी देख लें, एक और हॉस्पिटल्स लेके जा रहे हैं, दूसरी तरफ आप साथ ही साथ वेपन्स दे रहे हैं और बीच में आप ह्यूमन राइट्स को खड़ा कर रहे हैं, तो कैसे आपकी इंटेंशंस पर हम शक ना करें। बहुत सिंपल सी बात है, अगर हम भारतीय मानवाधिकारों के प्रशिक्षण की बात करें, क्योंकि उसकी मैं चर्चा करके खत्म करूंगा और आप लोगों को आमंत्रित करूंगा चर्चा के लिए, कि जो 30 फंडामेंटल राइट्स हैं ये आप देख पा रहे हैं कि एक और तो पुरुषार्थ है जिसकी हमने पहले चर्चा की, दूसरी तरफ ऐषणाएं हैं, तीन ऐषणाएं। तो इनको हमें जो है, अगर इनको हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में या ह्यूमन राइट्स में ऐड कर दें तो आपको 30 आर्टिकल्स की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये बात मैं बिल्कुल दावे के साथ कह रहा हूँ और पूरी चुनौती के साथ कह रहा हूँ कि क्योंकि 30 आर्टिकल्स इनमें समाहित हो जाते हैं। इसका प्रशिक्षण देने का तरीका क्या है? इसका प्रशिक्षण का तरीका है कि आप संवेदना पहले सेंसिटाइजेशन करेंगे, फिर उसके बाद संस्कार करेंगे और फिर आपको अधिकार दिया जाएगा। और राइट की सेंस में नहीं, अधिकार का मतलब है ऑथराइजेशन। और ये निर्भर करेगा, किसी भी सोसाइटी में मानवाधिकारों को अगर इवेल्युएट करना है तो आपको इन 9 डोमेन्स के आधार पे इवेल्युएट करना होगा कि लोगों का मानसिक स्वास्थ्य क्या है, उनकी हेल्थ क्या है, यूज ऑफ टाइम, कम्युनिटी वाइटैलिटी क्या है, एजुकेशन का लेवल क्या है, कल्चर क्या है, एनवायरनमेंट, गवर्नेंस और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो ये 9 पैरामीटर्स आपको भारतीय संस्कृति से मिलते हैं जिसके आधार पर मानवाधिकार का मूल्यांकन होना चाहिए। ये बहुत संक्षेप में एक पूरा अल्टरनेटिव है ह्यूमन राइट्स का, मॉडल है
जो हमने संस्कृत शास्त्र के आधार पर डिजाइन किया है, और उन जो यूएनओ का जो प्रियम्बल है और जो 30 आर्टिकल्स हैं उसको हम काउंटर करना चाहते हैं। इसके आधार पे मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, लेकिन इसका जो पहला शब्द, पहली पंक्ति है, उसको आप देखें कि सभी मनुष्य चेतना की अभिव्यक्ति हैं। हमें वो फ्रॉड करने की जरूरत नहीं है कि हम कहें कि ऑल मेन बॉर्न इक्वल, जो कि हम जानते हैं कि वेयर एज वी ऑल आर व्हाइट मैन्स बर्डन, ये तो आप जानते ही हैं सारे। तो जहां पर वो, अगर आप किसी एक में विश्वास नहीं करते तो आप कम से कम बराबर तो कभी भी नहीं हो सकते। बहुत सारी ऐसी हैं, लेकिन आप इसको पढ़ सकते हैं, मैं बाद में शेयर भी कर दूंगा आप लोगों के लिए। तो ये कुल मिलाकर के ये हमारा एक अल्टरनेटिव है। ब्रीफ में ये उसका थोड़ा सा इलाज रूप है, आप देख सकते हैं। और अंतिम बात मैं यहाँ पर समाप्त कर रहा हूँ, और ओपन हाउस डिस्कशन के लिए ये हाउस खुला है, कि एक मंत्र जो है वो मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, कि जो गुड गवर्नेंस है वो ह्यूमन राइट्स की कल्चर को इवॉल्व करता है, उसमें से वो उसका आविर्भूत होती है, वो प्रादुर्भूत होती है, इवॉल्व होती है। इसलिए मैंने उसके डेवलपमेंट शब्द नहीं प्रयोग कर रहा, इवॉल्व होने की बात कर रहा हूँ। और अश्वपति आख्यान ये छांदों के उपनिषद से है, और मैं चाहता हूं कि दुनिया भर के 150 से ऊपर जो देश हैं उनमें से कोई देश ये डिक्लेयर कर सके, इंक्लूडिंग यूएनओ, कि क्या डिक्लेरेशन दे सके जो ये इस राजा ने दी है, क्या है कि मेरे राज्य में न तो कोई चोर है, न कुत्सित व्यवहार करने वाला है, परवर्टेड जिसे आप कहते हैं बिहेवियर करने वाला है, न मद्यपाई है, न शराब पीने वाला है, न कोई गृहस्थी जिसके अग्नि स्थापित ना हो। अग्नि स्थापित होने का मतलब है जिसके घर में खाने पीने को ना हो, यानी कि उसके रोटी कपड़े मकान की सारी मुश्किलें हल हैं, न कोई अविद्वान है। नेक्स्ट लेवल पे वो क्या डिक्लेयर करता है कि ऐसा भी कोई नहीं, पढ़ा लिखा नहीं, सेंसिबल पढ़ा लिखा, सेंसिबल लिटरेट, नहीं तो पढ़े लिखे तो बहुत हैं लेकिन कॉन्स्टिपेटेड पढ़े लिखे आपको मिलेंगे, न स्वेच्छाचारी पुरुष, कोई बिल्कुल ही इरेस्पॉन्सिबल बिहेवियर करने वाले नहीं, कि जैसे हम अक्सर देखते हैं जेएनयू में कि ब्राह्मणों भारत छोड़ो इस तरह की अब देखने को मिलती है, पहले भारत तोड़ो था अब ब्राह्मण छोड़ो और न स्वेच्छाचारी पुरुष, तो स्वेच्छाचार करने वाली स्त्री कहाँ होगी। तो ये इतनी बोल्ड डिक्लेरेशन उस समय की हमारे पास है, तो हमने क्यों नहीं अपने संविधान में और यूएनओ के ह्यूमन राइट्स में इन चीजों को इंक्लूड किया, या यहां से हमने सीखा। तो कुल मिलाकर के ये मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता था कि ये पृष्ठभूमि है, ये हमारा अल्टरनेटिव है, ये हमारे फंडामेंटल सवाल हैं जिसके आधार पर हमने ये एक संक्षिप्त सी समीक्षा की है। तो अब ये आप लोगों के लिए चर्चा के लिए, आप लोगों के व्यूज को जानने समझने के लिए, विचार को जानने के लिए, आलोचनात्मक प्रश्नों को जानने के लिए संस्कृत विभाग आप लोग को सादर आमंत्रित करता है। आप लोग अपनी बात कह सकते हैं। सबसे पहले डॉक्टर रविंद्र कुमार गुप्ता जी, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस के हैं लेकिन साथ ही साथ इनका गीता के ऊपर पूरा अधिकार है, तो मैं चाहता हूं कि वहीं से हम अपनी बात आरंभ करें। धन्यवाद जी सर। अंकल जी। शायद मेरी आवाज आज क्लियर ना आए, तो गला नहीं बहुत नहीं स्पष्ट खराब है, है। नहीं नहीं स्पष्ट है सर। मैं, हाँ, बहुत संक्षेप में अपनी बात कह रहा हूँ सर। जितने भी मानवाधिकार हैं प्राचीन काल से लेकर वर्तमान में, जी उन सब का आधार, जहां तक मेरा अल्प ज्ञान है भगवद गीता का, तो मैं अध्याय तृतीय के 11वें श्लोक को मानता हूँ, जिसमें कहा गया है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वै परस्परम भावयन्तः श्रेय परम वापस्यथा। तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। क्योंकि मैं इस श्लोक को आधारभूत इसलिए कहता हूं, मानवाधिकार किसके लिए है? जी मानवाधिकार किसी एक राष्ट्र के लिए नहीं, सार्वभौमिक है।
लेकिन उसका उद्देश्य क्या है? अंतो गत्वा तो उसका उद्देश्य सभी व्यक्तियों का कल्याण है। और कल्याण कब हो सकता है कि जब हम परस्पर एक दूसरे को उन्नत करने की सोचे। इसके बाद बहुत श्लोक मिल जाएंगे आपको, वो समय की भी बाध्यता है और मेरे गले की भी, इसलिए उनको कोट नहीं कर रहा हूं मैं। लेकिन आज यदि हम देखें, आपने बहुत सही कहा था कि युद्ध भी है, आतंकवाद भी है, गरीबी, भुखमरी, ये तो हम 60 के दशक से सुनते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं। जो नए संकट मानवाधिकारों को उत्पन्न हो रहे हैं, जिनका उत्तर आपको भगवद गीता में बड़े आराम से मिल जाएगा, वो संकट क्या है? अब पर्यावरण का है, वो संकट आपको क्लाइमेट चेंज का है, वो संकट बायोडायवर्सिटी का है। और मैं बड़े दुख के साथ कह रहा हूं इस बात को कि जितने भी मानवाधिकार के आलंबरदार देश हैं, विकसित देश, वो पेरिस समझौते को मानने के लिए तैयार नहीं है। अभी जो COP27 हुआ, उसमें थोड़ी सी भारत ने सफलता जरूर पाई कि जब उन्होंने कहा कि फंडिंग किया जाए। कारण क्या है? जब आप राष्ट्र के नाम पर, समाज के नाम पर केवल अपने विकास की सोचेंगे, तो आप इस श्लोक का निषेध कर रहे हैं। और जब व्यक्ति या समाज या कोई राष्ट्र अपने निजी हितों की पूर्ति करेगा, तो उसका परिणाम केवल और केवल अन्यों के मौलिक अधिकारों का हनन है। इसलिए मैं ये समझता हूं कि जब यहाँ पर देवता कहा गया है, तो यहाँ पर देवता से अभिप्राय उनसे नहीं है जो पारलौकिक देवता हैं, जो मेरे सम्मुख इस समय बैठे हैं, जिनसे मैं चर्चा कर रहा हूँ, वे भी मेरे लिए देवता हैं। जी यदि जी मैं इनका हित सोचता हूँ, यदि मैं प्राणियों का हित सोचता हूँ, यदि मैं वनस्पति का हित सोचता हूँ, तभी विकसित होंगे मानवाधिकार। अन्यथा ये जितनी हम शांति की बातें कर रहे हैं, सब जी पाश्चात्य देशों की केवल अपनी विस्तारवादी नीतियों को जस्टिफाई करना है। जी जी और आपने बिल्कुल सही कहा कि जब मैंने संविधान सभा का भी डिबेट्स का अध्ययन किया, तो बहुत कम ऐसे लोग थे संविधान सभा में जिन्होंने भारतीय संस्कृति की बात की है। हालांकि यदि कुल मिलाकर देखें, तो भारतीय संविधान सभा में मेरे को 434 मिले हैं साक्ष्य कि जहां पर कोई किसी ने भारतीय संस्कृति की बात कही है। लेकिन दुर्भाग्य क्या है हमारा कि हमारा जब संविधान बनाया गया, उस समय मानवाधिकार आ चुके थे पश्चिम अवधारणा के अनुसार। तो भारतीय संविधान के निर्माण में भी इस यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट्स का प्रभाव अधिक रहा है। और दुर्भाग्य से हम भारतीय संस्कृति में जो मौलिक अधिकारों की बात थी अथवा मानवाधिकारों की बात थी, जी वो कहीं ना कहीं पीछे छूट गई। अंत में केवल एक ही बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा कि भारतीय संस्कृति का एक तो उदाहरण आपने दिया, सर्वे भवन्तु सुखिनः, जी और दूसरा है मंत्र वसुधैव कुटुम्बकम्। यदि जी इन दोनों को ही जोड़ लिया जाए, तो मैं समझता हूँ इन दो मंत्रों पर यदि कार्य किया जाए, तो पूरे विश्व के सभी व्यक्तियों के मानवाधिकारों की रक्षा अपने आप हो जाएगी। धन्यवाद। जी धन्यवाद डॉक्टर। बहुत सुंदर श्लोक आपने चुना है गीता से, और वाकई उसके आधार पे विकसित की जा सकती है संस्कृति। विकसित करने की अपेक्षा है कि मानवाधिकारों की संस्कृति कैसे विकसित हो। सवाल तो ये है, कानून की तो सीमाएं हैं और कानून से हम कहाँ तक समस्याओं को सुलझा लेंगे। जी और किसी के जो भी कोई टिप्पणी हो, आप अपनी बात रख सकते हैं, इट्स ओपन हाउस। हाँ डॉक्टर सी के झा जी, अपने को अनम्यूट कर लें सर, अनम्यूट कर लें सर। नहीं अनम्यूट नहीं हुए। नहीं सर आप, हाँ आवाज नहीं आ रही।
नहीं, आवाज नहीं आ रही सर। या दोबारा जुड़ लें आप, एक बार डिस्कनेक्ट करके दोबारा जुड़ लें, कुछ कई बार दिक्कत आ जाती है। मैडम राजेंद्र, आप कुछ कहना चाहेंगी? सर, मैं तो बस बार बार एक ही चीज सोचती हूँ कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों नहीं, मुझे इसका उत्तर नहीं मिल पाता सर, कि ऐसा क्यों हुआ कि भारतीय संस्कृति को इतनी उपेक्षा की गई। इतने विद्वान बैठे थे सर संविधान सभा में, और जो आजादी से पहले सब चीजें संस्कृत शास्त्रों की कोट करते थे, लेकिन वो इसमें एक भी उद्धरण, जैसे अभी अभी कहा प्रोफेसर साहब ने, एक भी उद्धरण वो इसमें शामिल नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए ये मुझे अभी तक समझ नहीं आया सर। चलो उनको तो हम छोड़े, उनको किस बात के लिए कहें, हम लोग इतने ऐसा, हम एक चैप्टर अपने संस्कृत के सिलेबस में नहीं करवा पाए, हमें समझ नहीं आता हमारे हाथ कैसे कटे हुए हैं सर। बस मुझे तो यही, जी इसी बात का इतना दुख होता है कि मैं कुछ बोल नहीं पाती इस बारे में सर। अच्छा, मैं अगले वक्ता को आमंत्रित करने से पहले मैं एक चीज आपको दिखाता हूँ मैम। ये मैंने जब मैं पहले काम कर रहा था तो ये सारे के सारे मानवाधिकार जो हैं वो, सॉरी एक सेकेंड, शेयरिंग तो मैं कहीं और से कर रहा था। ये पूरे का पूरा जो है, आप ये देखिए कि जो संविधान का जो प्रियम्बल है, फंडामेंटल राइट्स हैं और डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ये सारे हमने संस्कृत में अनुवाद कर रखे हैं। उम्मीद तो यही करते थे कि शायद कभी मौका लगेगा और हम ये चीजें जो हैं वहां पे लगा पाएंगे सिलेबस में, संस्कृत के सिलेबस में अभीष्ट परिवर्तन करेंगे और फिर इनको चुनौती भी देंगे। और साथ ही साथ जो 30 आर्टिकल्स हैं, इनको तो बहुत पहले ही हम लोगों ने जो है वो अनुवाद कर लिया था, ताकि कम से कम ये कोई आक्षेप ना कर सके कि भाई आपने पढ़ा नहीं, जाना नहीं। ये सारे 30 आर्टिकल्स जो हैं, ये देखिए संस्कृत में हैं। और अभी इसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि इसमें सभी कॉलेजेस को एड अप करके इसके एक बुकलेट जो है वो हम निकाल दें। इस 30 के 30 आर्टिकल्स, ये उसके प्रस्तावना है। और ये जो है इसको अपना अल्टरनेटिव भी दे रखा है कि हमने क्यों और कैसा बनाया है, और कुल मिलाकर के ये एक है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। ये फाइल मैं आप सभी के साथ शेयर कर दूंगा बाद में, तो केवल बीच में मैडम की बात से मुझे ध्यान आ गया था तो इसलिए मैंने ये शेयर कर ली। डॉक्टर साहब, जी सर। एक बात कहना चाहूंगा मैं। डॉक्टर साहब, मैंने जहां तक अध्ययन किया है, जी इन 30 के 30 आर्टिकल से संबंधित भगवद गीता में आपको श्लोक मिलते हैं, तो सर, उसको खोजा जाए ना, उसको वो मैं आपको दे ठीक सकता हूँ एक दो है, महीने में। उसको मैं इसमें ऐड अप कर दूंगा बुकलेट जिस वक्त भी निकालेंगे। जी हाँ, वो मैं भेज दूंगा आपको। चलिए, शुक्रिया। झा साहब, और जो भी सज्जन आप में से, जो भी आप में से अपनी बात रखना चाहें, क्यों ओपन हाउस डिस्कशन है। डॉक्टर आनंद गुरी जी सर, नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। मुझे ये कहना है कि अवर अपना जो इतिहास है, दैट इज फुल ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन एंड मिस एप्लीकेशन ऑफ वेरी नोबल ट्रूथ्स। वन ऑफ द थिंग्स आई विल से इज अबाउट वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम, ये वन थिंग इज ऑलवेज अ उपदेश फ्रॉम अ मेंडिकन टू मेंडिकन, सेंट टू सेंट। ये कहीं भी गृहस्थाश्रम के लिए या कंट्री के लिए या देश के लिए दिया गया नहीं है। चाणक्य ने इसका कभी भी जिक्र नहीं किया है। He has never said वसुधैव कुटुंबकम। जी उसने, और ऐसे भी आप देखें तो महाभारत में भी घटोत्कच के दो लड़के थे, वैसे ही अर्जुन के दो लड़के बचे थे, जी मगर वो दूसरे कुल के थे तो उनका जिक्र कभी नहीं हुआ, जबकि परीक्षित को राजा बनाया गया। जी तो आई बिलीव कि वी हैव टू बी वेरी केयरफुल इन एप्लीकेशन ऑफ विजडम विच इज एंशंट विजडम इन टूडेज टाइम, अदरवाइज दैट मिस इंटरप्रिटेशन इज गोइंग टू टेक अस डाउन।
बिल्कुल जब तक कि सर्वे सुखिना संतु की बात है तो गीता में ही ये बताया गया है कि कर्म आप जो कर्म करेंगे उसमें कुछ ना कुछ तो नेगेटिव होगा ही. बिल्कुल बिल्कुल. कैन नॉट डू गुड टू एवरीबॉडी. यस. देयर विल बी सम पाप विल बी क्रिएटेड. तो आप कोई भी चीज करे कोई ना कोई दुखी तो जरूरी होने वाला है. मगर इसमें बात सही रहती है कि मैं धर्म के साथ हूँ या नहीं हूँ. जी जी. ऑल्सो आई विल लाइक टू पुट वन मोर थिंग इज इन टर्म्स ऑफ कानून कायदा. इसके लिए जो संस्कृत शब्द अक्सर यूज करते हैं संस्कृत में हिंदी में लॉ के लिए ये एक तो विधि है या तो कायदा या कानून है. जी जी. और कायदा और कानून ये दोनों फारसी और अरेबिक शब्द है. विधि का लॉ से कोई ताल्लुक नहीं है. जी जी जी. व्हेयरएज इवन द सुप्रीम कोर्ट इज यूजिंग द स्लोगन यतो धर्म ततो जय. सो लॉ शुड बी कन्वर्ट लॉ शुड बी ट्रांसलेटेड रिपीटेडली एज अ धर्म. मुझे धर्म का पालन करना है. एंड इन इंडियन विजडम आई बिलीव इज रादर देन द प्रूफ द ट्रूथ इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. तो द बर्डन ऑफ प्रूफ इज नॉट सो मच वेयर एज द बर्डन ऑफ ट्रूथ इज मोर इम्पॉर्टेंट एज कम्पेयर टू द वेस्टर्न फिलोसॉफी ऑफ लॉ और वेस्टर्न फिलोसॉफी ऑफ धर्म. So these are the points I believe need to be considered when we go in for Manavadhikar. Because in the first place, Manavadhikar itself is a very, very constricted term. As far as we are concerned, we are looking at the Adhikar of everything, anybody and everybody. Whether it is a stone, whether it is a tree, whether it is a leaf of grass, we are thinking in terms of its Adhikar. So apni jo vyakhya hai, वो काफी ज्यादा व्यापक है मानवाधिकार से. जी जी जी. यस. दिस इज रियली गुड एनालिसिस. रियली आई अप्रिशिएट इट. सर्टेनली आई अप्रिशिएट योर दिस वर्ड ऑफ कॉशन एंड डीप इनसाइट. आई रियली अप्रिशिएट सर. जी डॉक्टर सी के झा जी प्लीज अनम्यूट कर लीजिए एक बार. जी सबको नमस्कार. मैं बीच में थोड़ा दूसरे अपने रूम में था वहां से नहीं हो पाया फिर मैं इधर लाइब्रेरी में आया हूँ इस साइड में. और इसके दो चार बातें ही मैं ज्यादा नहीं करना चाहूंगा. लेकिन थोड़ा से मुझे लगा कि सर ये आप तो शुरू से ही मुझे लगता है कि 2000 में 2002-2003-2005 ये ह्यूमन राइट्स के ऊपर आपने बहुत सारे सेमिनार किए हैं और गवर्नमेंट तरफ से भी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट और पता नहीं और क्या क्या चीजें गवर्नमेंट के तरफ से हम देखते हैं सुनते आ रहे हैं. लेकिन फिर भी उस राइट की रक्षा ह्यूमन राइट्स की रक्षा करने में हम विफल रहे हैं. तो ये विफलता का कारण जहां तक मुझे अभी हमारे से ये मेरे से पूर्व एक वक्ता बहुत ही सुंदर ढंग से समीक्षा कर रहे थे पाश्चात्य मानवाधिकार की जैसे ट्रूथ और फिर कहते हैं ट्रूथ को रहने से ह्यूमन राइट्स की रक्षा. तो हम तो भारतीयों में ट्रूथ और धर्म धर्म क्या है धर्म को ट्रूथ के साथ कोई अलग तो नहीं देखते. धर्म की रक्षा अगर करते हैं तो ट्रूथ की रक्षा अपने आप हो जाती है. तो धारणा धर्म क्या हो. जी जी. डॉक्टर साहब आवाज. जी कि वहां से ज्यादा कब पर बल दिया गया है. तो हम जो पालन अगर हम सही करते हैं ह्यूमन राइट क्या है वो चिंतन की बात रहेगा. हमारे उसका समावेश हो. मैं यही कह के अपनी वाणी को विराम देता हूँ और बहुत बढ़िया ये सेमिनार है. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. धन्यवाद डॉक्टर साहब. आपकी बात का हम ध्यान रखेंगे और जब इसको कंक्लूड करेंगे तो इस विषय को भी उसमें समाहित करेंगे. जी और किसी का कोई कोई टिप्पणी कोई ऑब्जर्वेशन कोई क्रिटिसिज्म. जी जी. डॉक्टर अनुभा जी यमुनानगर से हैं
गुरु नानक खालसा कॉलेज से, और मैं चाहूंगा कि अगर जैनिज्म के एंगल से भी अगर आप बात रखें, क्योंकि जैनिज्म इनका विशेष क्षेत्र है स्कॉलरशिप का, प्लीज मैम। डॉक्टर अनुभव जी, और अभी जैसे कि पर्यावरण को लेकर मुझे मैं एक छोटा करते हैं जब आ गई है तो क्या सबसे पहले मेरे मन में आपके इन चीजों को क्या हम मानव है, मानव है तब हम आगे मानव अधिकार की बात करते हैं। जी। जहां तक मानव अधिकार की बात है, मुझे लगता है मैं अपने से कह सकती हूँ किसी और को तो इसमें नहीं समझती, वास्तव में हमें ये नहीं पता कि हमें क्या चाहिए। जब आवाज कट रही है आपकी, मुझे लग रहा है कि शायद सिग्नल प्रॉपर नहीं जी। डॉक्टर रितु जी, अपने को अनम्यूट कर लें। मैडम रितु नहीं, अनम्यूट करें, अनम्यूट नहीं हुए आप, अनम्यूट करें पहले अपने को। हेलो। हाँ जी, हाँ हाँ मैम। सर मैं ये कहना चाहूंगी, मुझे नहीं पता कि मेरी बात कहाँ तक ठीक है, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि क्या हमें ये अनुच्छेद के अनुसार अधिकार चाहिए जो आर्टिकल्स में लिखे हैं, चाहे वो कश्मीर सभ्यता में है, चाहे वो भारतीय सभ्यता में, या फिर हमें अपने आप अपने आसपास के वातावरण को, अपने आसपास के मानव को अच्छी प्रकार से सुचारित रूप से सुगठित रूप से उनके व्यवहार और उनकी जो जीवन है उसको चलाने के लिए अधिकार चाहिए। अधिकार से हम क्या हम समझे? बिल्कुल ठीक है, बड़ा वाजिब प्रश्न है। हमारी कोशिश ये ही रहनी चाहिए कि हम इंडिजिनियस तरीके से सोचें, कॉम्प्रिहेंसिवली सोचें, ऑल इंक्लूसिवली सोचें। इस तरह से जब हम ओवर इंटेलेक्चुअलाइज करते हैं कि पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, आर्टिकल वन टू थ्री, उसमें बोध बिखर जाता है, हम मनुष्यता खो देते हैं और वो कानून हावी हो जाता है, मनुष्यता बीच में से गायब हो जाती है। यही यही सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय दर्शनों में सारा का सारा फोकस मनुष्यता के ऊपर है। धर्म कोई इस तरह का कोई जड़ वस्तु थोड़ी है कि आपने इस तरह का बना दिया। तो बात बिल्कुल जायज है, लेकिन अपने दृष्टि से इसको एक कॉम्प्रिहेंसिव रूप में हम प्रस्तुत करें। सर मैं अगर आगे करना चाहती हूँ, एक मिनट के लिए मुझे समय चाहिए। जहाँ तक आपने बात कही थी, अधिकतर सभी दर्शनों में ये होता है कि चाहे वो गीता है, चाहे वो ग्रंथ है, चाहे वो वेद है या कोई भी है, जैनिज्म जैन धर्म उससे मुझे लगते हट के ये सोचता है कि वो अपने ऊपर पहले कंसंट्रेट करता है, चाहे अधिकतम की बात है, चाहे केश की बात है, फिर मैं थोड़ा सा धर्म संप्रदाय विचारधार की तरफ आ रही हूँ, ये अपने पहनावे के ऊपर बात है। हालांकि बड़े हास्यास्पद से एक कमेंट लेते हैं, लेकिन हर चीज की बात है। तो पहले वो अपने आप को संवार कोशिश करता है
रिफ्लेक्शन धर्म से भी, जैसे चौमासा आता है, चार महीने का समय होता है, उसमें भी ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, संयम से अपने आप को करने की सोचता है, तब जाके अपने आप को मतलब बनाने के बाद नहीं करते हैं कि लिव एंड लेट लिव, कि दूसरा भी उसी प्रकार का है जैसा हम सोचते हैं. बिल्कुल, हाँ मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से. जैनिज्म में अहिंसा का बल इस रूप में है कि मेरा अस्तित्व ऐसा है जो किसी भी प्रकार की उत्तेजना या उद्वेग किसी में नहीं पैदा करता. वहीं से अहिंसा की शुरुआत हो सकती है. अहिंसा को हम क्रिया के साथ जोड़ देते हैं, क्रिया नहीं है वो. सबसे पहले तो मेरा अस्तित्व ही अहिंसा पूर्ण है, कि अगर मैं अहिंसा पूर्ण हूँ, मेरा अस्तित्व और किसी को कोई उत्तेजना या उद्वेग नहीं होता, तो मानवाधिकार की संस्कृति तो विकसित हो ही जाएगी. लेकिन महत्वपूर्ण बात आपने रखी है जी. मैडम ऋतु और उसके बाद फिर डॉक्टर आनंद जी भी कुछ कहना चाहते हैं जी. सर मेरी आवाज आ रही है जी? हाँ बिल्कुल. हाँ सर, मेरे को ना एक वो महाभारत का जो लिखते ना अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्, सर मैं इसको डोमेस्टिक वायलेंस जो हो रही है उसके साथ उस संदर्भ में चिंतन के लिए आपको बोलना चाहती हूँ कि सर हम कैसे इसको सोचे और कैसे इसको मानवाधिकार के रूप में लाके हम कुछ कंस्ट्रक्टिव बनाए जो डोमेस्टिक वायलेंस को रोक सके, या जो बच्चों का लेबर कर रहे हैं उस संदर्भ में मैं बात करना चाहती थी. ये बात ठीक है, लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस को थोड़ा सा परिभाषित करना बड़ा जरूरी है. नहीं तो क्या होगा कि माँ किसी वक्त डांटती है बच्चे को, या पिता एक चांटा बच्चे को लगा देता, वो भी डोमेस्टिक वायलेंस में आ जाएगा. और यही बहुत गड़बड़ हुई हुई है. डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब है स्त्री पुरुष के बीच में जो एक वायलेंस का भाव आ गया है, एक शोषण का भाव आ गया है, वो उस संदर्भ में आप बात कर रहे हैं. लेकिन भाई बहन में लड़ाई होती है तो वो भी आप वायलेंस में ले आएंगे. हमारा कानून इसी तरह का अंधा कानून है. तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट को जब हम यूज करते हैं डोमेस्टिक वायलेंस, तो हमें बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ये वही वाली बात है कि अति बौद्धिकता ने बहुत नष्ट कर दिया, भारतीय चेतना को बहुत हानि पहुंचाई है. तो इस विषय को जरूर मैं आपसे दोबारा डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी बाकियों की भी बात सुन लें. लेकिन महत्वपूर्ण विषय है कि स्त्री और पुरुष के आपस के संबंध कैसे हो जहां वायलेंस ना हो, प्रेम हो, सद्भाव हो. हमारी संस्कृति तो ये है, इसीलिए विवाह है, शादी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. तो एनीवे जी आनंद जी, सर चाइल्ड लेबर के बारे में भी बोलना चाहती हूँ. चाइल्ड लेबर बहन भाई का लड़ाई नहीं, चाइल्ड लेबर जो है वो भी मानवाधिकार का शोषण ही है. तो मैडम जितनी आप इंडस्ट्रियलाइजेशन विकसित करेंगे, जितना आप मार्केट विकसित करेंगे, शोषण तो करेंगे ना. चाइल्ड लेबर और कहाँ है. हाँ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब हुआ तो 9 साल के 10 साल के बच्चों को आप चिमनियों के बीच में डाल देते थे कि चिमनियां साफ करनी है, और बच्चे मरते थे. और उसी चीजों को जो वहां वेस्ट में घटित हुई है उनको कह रहे हैं कि यहाँ भी वो हो गया. तो होना ही है, वहां के परिणाम यहाँ तो आएंगे ही आएंगे. बट एनी वे विल टेक इट अप. डॉक्टर साहब लेंगे महेश जी. जी आनंद जी नमस्कार. मानवाधिकार इज द ट्रांसलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, बट एज यू हैव आपने पहले शुरुआत में ही बोल दिया कि अधिकार इन अवर एरिया इन इंडिया इट इज ऑथोराइजेशन रादर देन राइट. यस अधिकार कमाया जाता है और राइट दिया जाता है. Great. This is beautiful. Yeah, what we are saying in India is what we are saying in Western countries is the moment you are born as a human, you are getting all these rights. So, जन्म पे डिपेंड है आपको अधिकार मिलना. Whereas अपने यहाँ जो कॉन्सेप्ट है, जो भी अधिकार है आपने कमाना है. Yes. और वो कमाना होगा आपकी शिक्षा से, आपके कष्ट से, या और किसी से. Not only based on the birth. You are born a Shudra and you become a Brahman or become a Dvija. When certain sanskar is done, certain shiksha is given, certain education is there. And when you acknowledge that, then only you are wo bolte Western countries mein bolte grey hair should always be respected. Apne yahan pe grey hair nahi, vidvatta is to be respected, anything that is above me.
एनीथिंग दैट इज गुरु, एनीथिंग इज दैट इज बियॉन्ड मी, बेटर देन मी, इज टू बी रिस्पेक्टेड इन टर्म्स ऑफ गुरुतत्व. And that is why the Manavadhikar again becomes, or rather, the human rights need to be translated as human rights and responsibilities. Rather, human responsibilities first and then the rights. And that is why whenever I am asking for something, this should be given to me or that should be given to me. Am I capable of digesting it or accepting it? Is one of the main areas. I'll just give one example here. कच्च देवयानी और शुक्राचार्य अपने को सभी को स्टोरी मालूम है. उसमें इतना आसान था कि देवयानी को वो संजीवनी मंत्र बोलते और दोनों को वो वापस जिंदा कर सकती. वो उन्होंने नहीं किया बिकॉज देवयानी वॉज नॉट शोइंग, शी वॉज नॉट अ स्टूडेंट, शी वॉज नॉट शोइंग एनी इंक्लिनेशन टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग दैट. एंड दैट वॉज वाई द विद्या वॉज नॉट गिवन टू हर, बिकॉज शी डिड नॉट हैव द अधिकार to accept yes. it and digest it. Exactly. So in our case, what happens is because we are going with the Western style, everywhere people would ask for the rights first. ये मेरा right है, मैं ये करूँगा. And that right is used negatively, whereas from our side it should be used positively as a adhikar, that is authorization and something that I have earned through my efforts. And if I earned through my efforts, अगर किसी चीज के लिए मैंने कोई कीमत चुकाई है तो वो चीज मैं अच्छी तरह इस्तेमाल करूंगा, इसकी वो गारंटी बनती है. बिल्कुल, दैट इज व्हाई वी यूज द टर्म पुरुषार्थ. यू हैव टू डू द पुरुषार्थ एंड देन यू यू आर ऑथराइज्ड टू फॉर उपभोग, फॉर भोग, ओनली देन यू आर ऑथराइज्ड. सो पुरुषार्थ वी हैव मिस्ड इट. और यही एक कारण है कि जब आप वेस्टर्न मूवीज को देखते हैं, जैसे वो आप लोगों ने अभी जो पीछे 2-3 साल पहले आई थी, वो जिसमें जादू और वो थी चीजें, वो सारे क्या था, वो सारा का सारा था जिसमें से पुरुषार्थ मिसिंग था और चमत्कार से जो है वो चल रहा था काम. तो वो समझने वाली बात है. वो अंडरकरेंट्स को हम जरूर लेंगे अभी ध्यान में. तो डॉक्टर मैंडी जी, प्लीज अनम्यूट करिए अपने को दोबारा. मैम गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. आप सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही? जी जी जी, बिल्कुल लाउड एंड क्लियर. सर सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है ना. तो बात अगर हम करते हैं कि मानवीय अधिकारों की, तो मानवीय अधिकारों में सबसे पहला और सशक्त अधिकार है स्वयं का रक्षण. यही आती है, अगर हम अपने साम्राज्य, अपनी सरकार की बात करते हैं तो उसमें मानवीय तस्करी की बात होती है. तो कहां तक जो हमारा भारतीय मानवीय अधिकार है या पाश्चात्य मानवीय अधिकारों से अगर हमने कुछ अडॉप्ट किया है, तो कहां तक मानव का जीवन सुरक्षित है? अगर हम बात करते हैं तो एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो सरकारें हैं वो हर एक आए दिन जो स्पेशल डे है उस पर बात करते हैं कि सरकार के द्वारा संविधान में सुरक्षित जो कर्तव्य हैं, जो हमारी ड्यूटीज है, उसको ध्यान में रखते हुए मानवीय अधिकारों का रक्षण किया जाए. पर इसी देश में जब मानवीय तस्करी होती है, छोटे छोटे बच्चों को अगवा करके उनके मतलब इम्पोर्टेंट पार्ट को निकाल के उसे बेचा जाता है, छोटे बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उस वक्त ये सरकार, ये मानवीय अधिकार की जो संस्थाएं हैं, जो पाश्चात्य अधिकारों की बात करती हैं, भारतीय मानवीय अधिकारों की बात करती हैं, तब उनके लिए इस क्वेश्चन का उत्तर क्यों नहीं मिल पाता है? ये सोचने का मुद्दा है कि हम दिन के सिर्फ जो डे है, डे टू डे हम इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए सेमिनार्स, वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करते हैं, पर जैसे ही ये दिन निकलते हैं तो ये जो मुद्दे हैं कहीं ना कहीं जाके छुप जाते हैं. ऐसा क्यों होता है? इसका एक रक्षण चाहिए ना हमें. ओके, ठीक है. मुझे लगता है डॉक्टर महेश जी आपके इस विषय को लेंगे अपने कमेंट्स में, अपने रिमार्क्स में. दैट्स रियली नाइस. अच्छा है, इसी तरह के द्वंद्वों से हमारा समाज घिरा हुआ है. जैसा कि मैं पहले ही कह रहा था कि एक ओर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन खड़ा है, एक तरफ हमारी कल्चर खड़ी है, और बीच में कहीं घपला इंडस्ट्रियलाइजेशन और मार्केटिंग बहुत कुछ हो गया हुआ है. तो अगर हम बात भी करते हैं संस्कृति से, तो संस्कृति हमारे स्कूलों के जो प्लेटफॉर्म है, मंच है, वहां से तो
बहुत मध्यम होती जा रही है। अगर बच्चों को जो एनुअल डेज है वहां पर फंक्शन भी ऑर्गेनाइज किया जाता है तो वेस्टर्न कल्चर से ज्यादा रिलेट होता है और भारतीय संस्कृति से बहुत कम। जी जी राइट, तो बिल्कुल ठीक है। मानव अधिकारों का रक्षण हो कि वो स्कूल से आरंभ होकर विश्व स्तर को अपने आप को प्रसारित कर सके, तभी ऐसे ऑर्गेनाइज प्रोग्राम करने का हमें सफलता से जो हमारा मानवीय गौरव है वो हम उसे प्राप्त कर पाएंगे। ये अच्छा सुंदर शब्द आपने प्रयोग किया है, मानव गौरव, बहुत सुंदर आपने, बड़ा सुखद प्रयोग किया है, एक बहुत सकारात्मक शब्द है, तो अच्छा लगा ये शब्द जी। और किसी की कोई बात, कोई और अपना थॉट कोई शेयर करना चाहता हो, कोई कमेंट्स, एनीथिंग, हाउस इज ओपन, किसी की कोई बात हो, कोई कहना चाहता हो, नहीं तो फिर हम आज के अध्यक्षीय टिप्पणी के लिए आमंत्रण देते हैं। तो उनसे पहले यदि किसी का कोई विचार है, क्योंकि ये बिल्कुल ओपन हाउस है, आप बिल्कुल अपने सुविधा अनुसार जो आप महसूस करते हैं वो आप साझा कर सकते हैं। चलिए, मुझे लगता नहीं अभी संकोच वाली बातें हैं, तो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर महेश कौल जी को, जो कि पोस्ट डॉक्टरल ICPR फेलो हैं न्यू दिल्ली से, और हमने विशेष रूप से उनको आमंत्रित इसलिए भी किया है क्योंकि वो एक ऐसे प्रदेश से आते हैं जहाँ पे मानवाधिकारों का उल्लंघन कैसे कैसे हुआ है और कैसे कैसे किया गया है, और सिर्फ स्टेट के द्वारा ही नहीं, दूसरे मनुष्यों के द्वारा, दूसरे धर्मों के द्वारा, दूसरे विश्वासों के द्वारा कैसे उसका अनाचार हुआ है, उस सारे को उन्होंने अपनी आंखों से देखा है, महसूस किया है, उनके वो इस सारे प्रोसेस से निकले हैं, तो इसीलिए मैंने उनको विशेष रूप से आमंत्रित किया है कि वो एक आप लोगों को यथार्थवादी पिक्चर जो वहां पर घटित हुआ, और साथ ही साथ उनका क्योंकि दर्शन का इतना गहन ज्ञान है, और उन दोनों जो अनुभव हैं और जो दर्शन है उन दोनों का एक मिला जुला रूप हम उनके प्रेसिडेंशियल रिमार्क्स में हम सुनेंगे, इसीलिए मैंने उनको विशेष रूप से आमंत्रित किया है कि हम चाहे जितनी थ्योरी की बातें करते रहें, जितने आइडियलिज्म की बात कर लें, लेकिन जो व्यवहार है और जो यथार्थ है उसको हम कैसे देखें, क्या समझें, कैसे रिस्पॉन्ड करें, तो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ महेश कौल जी को। और अभी अभी हमारे साथ प्रोफेसर अविनाश श्रीवास्तव जी बिहार से जुड़े हैं, गया यूनिवर्सिटी से, नालंदा यूनिवर्सिटी से, तो उनसे हम फिर उसके बाद ही उनका भी उनकी चर्चा भी लेंगे, बातचीत लेंगे, लेकिन उससे पहले प्रेजिडेंशियल रिमार्क्स के लिए डॉक्टर महेश कौल जी। जी सर, सबको नमस्कार, और सनातन धर्म कॉलेज और बाकी जो आपके सहयोगी हैं, नाम लेना कठिन है क्योंकि आपने जो 2-2.5 साल में काम किया वो एक ऐसी, मैं कहूँगा कि चक्रवर्ती काम हो रहा है कि हम उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। आशुतोष जी, जो आपने प्रारंभ किया था उस समय में, एक छोटा सा एक उद्यम किया आपने और अब बैरो रूप में साकार होता जा रहा है और आज हम ये बातें कर रहे हैं। मैं सबको सुन रहा था, बहुत अच्छा लगा। हम ईश्वर सोच रहे हैं और इस परिप्रेक्ष्य में सोच इसलिए रहे हैं क्योंकि वातावरण भी बदला है, तभी हम बात भी कर रहे हैं। इकोसिस्टम बदलने की बात है। अब यहाँ पर जिन लोगों ने बोला, बहुत ही ओजस्वी लोग, डॉक्टर रविंद्र कुमार गुप्ता जी, डॉक्टर CK जा, डॉक्टर राजेंद्र मलिक, डॉक्टर आनंद गुरिये, मैं सबको सुन रहा था, डॉक्टर अनुबा जी, डॉक्टर ऋतु तलवार, और फिर उसके बाद हमारी डॉक्टर मैंडी, और अभी अभी अविनाश जी भी आए हैं, उनका भी स्वागत। तो मैं कहूँगा कि बहुत ही सटीक चीज़ें आईं और लीक से हटकर बातें हुई, और एक बहुत अच्छी बात, जिस संविधान के बारे में कभी बात करना भी पाप होता था, मतलब उसके स्ट्रक्चर को लेके, आज हम खुले हम उसका क्रिटिक भी कर रहे हैं। और यही भारतीय सभ्यता भी है, जहाँ उत्तर पक्ष भी है और पूर्व पक्ष भी है, यही हमारी जो है बौद्धिक चेतना का एक, मैं कहूँगा कि परिकाष्ठा है। तो साथ ही साथ यहाँ पर मैं बार बार कहता आया हूँ, जितनी बार भी मैं कहीं मंचों पर बोलता हूँ, मैं कहता हूँ कि जो हमारा संविधान है उसमें एक प्रयोग हुआ
उसमें कई चीजों की बात हुई, उसमें काफी बुद्धिजीवी भी लगे थे, लेकिन यहाँ पर किसी ने बात रखी थी, मुझे याद नहीं है किसने, शायद डॉक्टर राजेंद्र जी ने कहा कि अगर उन लोगों को इतना पता था कि वो स्वतंत्रता से पहले आंदोलन में जब बड़े लोग थे, संस्कृत की बात करते थे, देशी भाषाओं की बात करते थे, अंत में ये क्या हो गया जब संविधान बना तो उसमें ऐसी कंट्राडिक्टरी चीजें आ गई जो, जिसको अगर मैं संक्षेप में कहूं, दैट पिट अस, दैट पिट द इंडियन स्टेट इन एट वॉर विद इंडियन सिविलाइजेशन, जिसको मैं सांस्कृत सिविलाइजेशन कहता हूँ, बार बार कहता हूँ। और सांस्कृत सिविलाइजेशन का मतलब केवल सांस्कृत भाषा नहीं है, सांस्कृत इकोसिस्टम है। और आशुतोष जी ने इशारा किया कि मैं जम्मू कश्मीर से आता हूँ और जहां पर ये गठित हुआ, और हमने इस चीज की विफलता जम्मू कश्मीर में देखी और इसकी लेबोरेटरी बना जम्मू कश्मीर, जहां हिमालय को डिसंस्कृताइज किया गया और हम लोग उसे लड़ने के लिए परिपूर्ण नहीं थे, जहां अब सुरक्षा बल हमारे जो दिन रात काम करते हैं, उसके बाद भी उनके पास एक कंट्राडिक्शन के कारण, जो हमारी गुड गवर्नेंस में कंट्राडिक्शन है, उसके कारण बात हुई, वो उनके हाथ बंद गए। सबसे बड़ी बात, बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी छोटी बातें हैं कि जिसमें अगर मैं कहूं तो संस्कृत और अंग्रेजी, ये नॉन, हमारे पास संस्कृत के शब्द नॉन ट्रांसलेटेबल है, क्योंकि अब्रामिक भाषाओं में वो जिस तरीके से बनती हैं, वो ग्रीक इटालियन वगैरह वगैरह को मिलकर जो मिश्रण है उनका वहाँ यूरोपियन कल्चर में, उसके बाद जो प्रयोग हुए और हमने यहाँ लगा लिए, हमने अपने सिस्टम को वायलेट कर दिया। आपको जो हमारा वातावरण है, हमारी ज्योग्राफी है, हमारी प्लेस कॉन्शियसनेस है, हमारी एस्थेटिक्स है, वो वायलेट हुआ, हमने वो सारे पैरामीटर अपना लिए। आज हमारे यहाँ पर दूर कहाँ जाना, जो कोई रिसर्च भी होता है, उस रिसर्च में हम लोग, चाहे वो टूल्स लगे या ना लगे, एक फैशन बन चुका है कि आपने ये टूल लगाने हैं, अगर नहीं लगाए, कम लगाए, ज्यादा लगाए, वो लगते भी हैं नहीं, उसका किसी को पता नहीं। हमारे यहाँ पर एक फ्रेमवर्क है, और महर्षि अरविंद ने बार बार ये किया, जिन लोगों ने उनको पढ़ा है, उन्होंने कहा कि देखिए भाई, जो आप भारत में लगा रहे हैं, वेस्टर्न लगा रहे हैं, उसे पढ़िए, उसका अध्ययन कीजिए, लेकिन हमारे यहाँ पर जो सिस्टम है, बिलीफ सिस्टम है, और हमारे जो संस्कृत भाषा है, जिसे बाकी भाषाओं का जन्म भी हुआ, वो कॉन्शियसनेस की भाषा है, वो उसमें आप सिद्ध करते हैं, हम वाक्यों को सिद्ध करते हैं, हम तो तभी तो कहते हैं ना कई बार वाक वाक भैरवी, हम कहते हैं किसी का वाक सिद्ध ना हो जाए, किसी की बद्दुआ भी ना ले, तो यही कारण है कि हम यहाँ पर शब्द को भी ब्रह्म मानते हैं। और ये जो चीज है, ये चेतना हमारी गवर्नेंस में अभी आई नहीं। यहाँ बड़े अच्छे प्रश्न आए, डोमेस्टिक वायलेंस की बात हुई, बिल्कुल सही बात हुई, हमने इस पर रिसर्च ही नहीं किया। चाइल्ड ट्रैफिकिंग की बात हुई, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात, हमारे यहाँ पर जितने उदाहरण थे उनको बंद रखा गया या ट्रांसलेशंस में वो गोन हो गए। तो ये चीजें जो है, सबसे पहले संस्कृत इज नॉन ट्रांसलेटेबल एज फार एज इंग्लिश इज कंसर्न्ड। हम ईश्वर, गॉड, इस तरह की तुलनाएं जब करते हैं तो ये चीजें हमारे सिस्टम में चली गई। इससे हम बचाव करने की जगह हम नुकसान करते हैं। तो आज का ये जो हमारा पूरा, हमारी गोष्ठी रही, इसमें जो बड़ी बात है कि हमें जो काम करना है, जो मुझे लग रहा है कि हमें वी हैव टू गो टू बैक टू बेसिक्स, प्राइमरी रिसर्च के ऊपर फोकस। जैसे अभी आशुतोष जी ने बताया कि उन्होंने ये सारे जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उन सब का जो है ट्रांसलेशन संस्कृत और हिंदी में किया, बहुत इंपॉर्टेंट, और उसके बाद उसका क्रिटिक, चाहे वो हमारे। और दूसरी बड़ी बात जो है, जो हमने आज तक नहीं समझी, वो ये कि इंडियन सिस्टम और वेस्टर्न सिस्टम में फिलोसफिकली क्या डिफरेंस है। वहां पर क्या होता है कि एक विचारक आता है, उसके विचार आए, उसके बाद दूसरा विचारक आता है, उसके विचारों को समाप्त कर देता है, तो दूसरा वो काम चल पड़ता है उसका, दूसरी विचारधारा आती। भारत में ऐसा नहीं रहा, भारत में चार विचारधाराएं, पांच इकट्ठी चलती रही, चाहे वो चरवाक थे, बौद्ध थे, जैन थे, या फिर वेदांतवादी थे, या शैव थे, या हर किसी का क्रिटिक चलता रहता था, और उसमें हमारी संस्कृति की समृद्धि हुई। जो इंडिक सिस्टम है, वो इंडिक सिस्टम में हमारे जो गुटबाजी नहीं थी, इंटेलेक्चुअलिज्म इतना था कि एक, मतलब आप हर किसी चीज का क्रिटिक, अब कश्मीर की बात करूं, सोमानंद निश्चित दृष्टि लिखी, अगर आप शिव दृष्टि पढ़ेंगे, उन्होंने बोधों का प्रतिकार किया बोधे ग्रंथ से, उनके उनके शून्यवाद का, बड़ी सारी चीजों का, उसी को बाद में आगे जब लेकर गए, अगर आप देखेंगे, वो मुझे पूरी तरह से लगता है जैसे किसी शोधार्थी पीएचडी विद्यार्थी ने काम किया, बिल्कुल चैप्टर वाइज उन्होंने क्रिटिक लिखा बुद्धिज्म का कि आप कहां पर गलत हैं, यहां क्या होना चाहिए, और तभी से वहां बुद्धिज्म संस्कृताइज हुआ।
पहली बार कश्मीर में ही हुआ, कुमार जी जैसे लोग आए, तो उसमें रेफरेंसेस, ये जो आज हमें बताया जाता है कि वेस्ट से सारा आया, कि वहां से पीएचडी का स्ट्रक्चर आया, हमारे यहाँ पर एक ऋषि, एक साधारण आदमी भी ऐसे क्रिटिक लिखता था। उन पांडुलिपियों को अगर आप देखेंगे, मैं सोमानंद की वो शिव दृष्टि सबको कहने पढ़ने के लिए कहता हूँ, अगर आप वो पढ़ेंगे आपको पूरा उसका परिप्रेक्ष्य मिलेगा, हम रिसर्च कैसे करते थे। अभिनव गुप्त के तंत्र लोक को लीजिए, तंत्र लोक को एक आगमिक ग्रंथ तो है ही है, लेकिन एक शोध ग्रंथ भी, कैसे रेफरेंसिंग होती। अगर हम वेस्ट को देखेंगे, ये जो मॉडर्न फॉर्मेट है, एपीए फॉर्मेट, उसके सामने कहीं बैठता ही नहीं, मतलब बहुत तुच्छ लगता, हम उसकी भर्त्सना नहीं करते, लेकिन हम कहते हैं कि एक षड्यंत्र भी था कहीं ना कहीं। अब कुछ लोगों को यहाँ, क्योंकि डिबेट पोलिटिसाइज हो जाएगी, कुछ ऐसे लोग हैं, वे हैव बीन वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स एज पर एज कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसर्न्ड, और इसी कारण मुझे तो यहां तक लगता है कि पार्टीशन को जस्टिफाई करने के लिए हमें ऐसी चीजों को वहां पर लाना पड़ा, पैरिटी देनी पड़ी, दैट हमने कहा इंडिया दैट इज भारत या भारत दैट इज इंडिया, ऐसी बातें हुई, तो उसी समय देश और राज्य आपस में टकराव में आ गया। आपने सिविलाइजेशनल कॉन्टिन्यूटी को रोक दिया। जब आपने सिविलाइजेशनल कॉन्टिन्यूटी को रोक दिया तो संस्कृत का प्रवाह, सांस्कृतिक सिस्टम का प्रवाह रुक गया, उसके ऊपर अब्राहमिक प्रवाह बढ़ गया, जिसके कारण आप लोग, जैसे बिल्कुल सही कहा आनंद जी कह रहे थे, बहुत बढ़िया कहा उन्होंने, उन्होंने कहा कि राइट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बिल्कुल, यहाँ बच्चा पैदा होता तो उसके राइट्स, तो म्यूनिसिपलिटी में उसको दर्ज किया जाता है कि बच्चा अब पैदा हो गया तब उसके राइट, तो ये यहाँ पर पात्र होते थे। मैं तो शब्द यूज करूंगा, जब आप किसी चीज के पात्र नहीं है तो आपके ऊपर शक्तिपात गुरु का भी नहीं होगा, ईश्वर का भी नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारे कश्मीरी शैव दर्शन में भी बिल्कुल एक सिस्टम था, कौन पात्र है, वहां स्क्रीनिंग होती थी और एक क्रीम क्वांटिटी आती थी जिसको दीक्षा दी जाती थी, बिल्कुल। तभी तो कश्मीर में जातिवाद नहीं था, क्योंकि शैव दर्शन ने कहा कि जो पात्र है उसे सब कुछ मिलेगा, जो पात्र नहीं है, कुपात्र है, उसे नहीं मिलेगा, वो भक्षक बन सकता है समाज का। ऐसा दर्शन हमारे भारत का रहा है। तो इसलिए एक मुझे वेद की युक्ति याद आ रही, जिसमें वो एक जगह ऋग्वेद में ही है कि मेरी माँ एक दोबन है, पिता मेरा कोई और काम करता है, लेकिन मैं ब्राह्मण हूं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अभी जो ये जेएनयू से जो बातें चल रही हैं, ब्राह्मण भारत छोड़ो, बनियों भारत छोड़ो, क्या है ये? एक षड्यंत्र जो है, ये सबवर्शन का, विघटन का षड्यंत्र है, क्योंकि कश्मीर में जो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ उसको भारत में आगे चलाने की बात है। ये एक और बात आपको मैं कहूँ, थोड़ी सी आज मानवाधिकारों की हम बात कर रहे हैं ना, तो जेनोसाइड के ऊपर काफी बातें होती हैं पूरे विश्व में, और बिल्कुल सही कहा आशुतोष जी ने, उन्होंने बहुत इफेक्टिव पीपीटी शेयर की थी कि जब वहां कोई घटना घटित होती है उसको छुपाने के लिए वो कानून लाते हैं। हमारे पास वनस्पतियों के लिए, जीवों के लिए, हम जब भोजन भी करते हैं तो भोजन करते समय हम जो कुत्ता है उसके लिए भी भोजन निकाल देते हैं, पक्षियों के लिए भी निकाल देते हैं। हमारे यहाँ व्यवस्था पहले से, हम किसी ये अनहोनी का इंतजार नहीं करते, हमने पहले ये चीजें कर रखी हैं कि हमें बिल्कुल मैटर से माइंड तक इवॉल्व जब होना है तो हम कैसे होना है। दूसरी बात मैं कह रहा था कि जेनोसाइड जिसको हम कहते हैं, लेमकिन को बहुत अच्छा स्कॉलर माना जाता है इस संदर्भ में, जीव थे, क्योंकि जिसके साथ होता है वही जानता है कि कितना मर्म होता है इस चीज का। आपको जानकर बड़ी आश्चर्य की बात होगी, कहीं लोगों को पता भी होगा, बड़े सम्मान्य लोग यहाँ बैठे हैं इस गोष्ठी में, उनसे छोटा भी हूं मैं, उनके आदर के साथ उनसे कहना चाहता हूं कि कश्मीर के बारे में एक ही राजतरंगनी की बात होती है, कलहन की। पांच राजतरंगनियां हैं, लोगों को पता नहीं, कलहन, जोनराज, श्रीवर, प्रज्ञ भट्ट और शूक, ये पांच राजतरंगनियां हैं। कलहन के समय में ठीक था, थोड़ा बहुत राजों में आपस में विवाद चलता था, लेकिन जोनराज ने, आपको ये जानकर अचंबा लगेगा, उनने कहा कि कश्मीर में जाति विध्वंस हो रहा है। ये जेनोसाइड के लिए एप्रोप्रिएट टर्म थी, जाति विध्वंस, कौन से दशक में, 11वीं-12वीं शताब्दी में उन्होंने बात की होगी, जाति विध्वंस हो रहा है यहाँ, धर्म के अनुयायी लोगों का, जिसमें हिंदुओं की बात कर लीजिए, जो भी कह लें आप, मंदिरों का विघटन हो रहा है, समाज के मठ मठिकाएं तोड़ी जा रही हैं, और जितने भी साधु हैं उनके साथ बहुत गलत हो रहा है, यहाँ बहुत विध्वंस हो रहा है, तो जाति विध्वंस की बात की। तो जब हम ये फ्रेमवर्क, किसी भी समाज का कानून, उसकी नीति, उसके इतिहास, उसके भूगोल, उसकी परंपरा से बनती है, तो कश्मीर के बारे में जब आप ऐसा कानून लाएंगे जो जाति विध्वंस की बात करे, जोनराज की बात करे, तब आपको समझ में आएगा कि हम कितना कट चुके हैं। जब आप बाहर से जेनोसाइड वाली बातें लाएंगे, हमारे पर लागू नहीं होती,
क्योंकि उसका कुछ और संदर्भ था, लेकिन हमारे यहाँ पर चीजें भुगती और हमारे लोगों ने उसका दर्शन दिया, उसको उसकी व्याख्या की। तो इसलिए हमें ये समझना है कि हर प्रदेश में, भारत के हर प्रांत में ऐसे इतिहास हैं, ऐसे समाज शास्त्री रहे हैं, उनके कामों को आगे लाके, क्योंकि हमारी व्यवस्था के हिसाब से जो चलेगा वही होना चाहिए। अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आ रही है, लोग उसको किसी और तरीके से देख रहे हैं, मैं उसे किसी और तरीके से देखता हूँ, अभी इसमें संशोधन होना चाहिए कि भाई इसमें थोड़ा कल्चर की बात कीजिए, ये कीजिए, नहीं, मैं इसको कहता हूँ इसको क्रॉस डिसिप्लिनरी बना के भारत के इतिहास, भूगोल, उस सारी संरचना को जोड़कर आपको करिकुलम बनाना पड़ेगा। चैप्टर्स ही नहीं, आपको एक नए सब्जेक्ट को भी लाना पड़ेगा जो मल्टीडिसिप्लिनरी हो, भारत के बारे में, जो एक इसको भूभाग माना जाता है, केवल भूभाग नहीं है भारत, भारत की भूमि श्रिंक होती आई है, और भारत के समक्ष जो इस समय विघटनकारी शक्तियां काम कर रही हैं, उसी लिए कर रही हैं क्योंकि सिस्टम में, जिसे हम कहेंगे कि सबवर्ट हो चुका है, चाहे वो एकेडमिक्स है, चाहे वो जुडिशरी है, चाहे वो पत्रकारिता है, चाहे वो एकेडमिक्स है, ऐसे लोग वो इसी सिस्टम को यूज करके हमारे संविधान में जो बीच में गैप्स हैं, रिसर्च जो मैं गैप्स कहूंगा, उन पर काम होना चाहिए। कोई बड़ी बात नहीं, हमने बड़े परिवर्तन किए इन 8-8.5 सालों में, क्योंकि ये मंशा थी। सरकार होती है जो आपके द्वारा चयनित होती है, आपके विचारों को, जो 10 साल पहले जनता की अपेक्षा थी वो आज नहीं, अपेक्षाएं बदल गई क्योंकि लोग चेतना गेन कर चुके हैं, उनको पता है कि चैलेंजेस क्या है। सरकार से ज्यादा समाज में ऐसे बुद्धिजीवी हैं जो ज्यादा अध्ययन करते हैं, और वो बिल्कुल इस उनको कोई पद मिले नहीं, समाज में हमारे बहुत चाणक्य भी तो ऐसे ही थे, चाणक्य किसी पद की अपेक्षा थोड़ी करते थे, लेकिन चंद्रगुप्त को खड़ा किया उन्होंने, तो ऐसे चाणक्य हैं, सरकार शायद उन तक नहीं पहुंच रही, और आने वाले समय में उन तक पहुंचेगी। चाणक्य का मतलब कि वो जो दार्शनिक हैं, जो अलग अलग चीजों पर शोध कर रहे हैं, उन्हें वो हमारे मॉडर्न ऋषि हैं। आजकल शायद वो कुटियाओं में नहीं रह रहे होंगे, किसी विश्वविद्यालय में, किसी स्कूल में, और इन लोगों से फीडबैक लेना होगा। और मैं तो ये भी कहूंगा, जो हम लोग यहाँ जुड़े हैं सारे, अस्तो जी आपने इतना बड़ा कारवां खड़ा किया, इन सब लोगों को मैं निवेदन करूंगा कि अब हमें इस ओर देखना पड़ेगा कि हमारे राष्ट्रीय स्तर पर, प्रादेशिक स्तर पर ऐसी कौन सी स्टडीज हैं जिसमें जाति विध्वंस की बात हुई है, जिसमें आक्रांताओं ने क्या हमारा तोड़ा उसकी बात हुई, और उसके साथ साथ हमारे शिक्षा प्रणाली में कौन से ऐसे ग्रंथ होने चाहिए, जैसे क्षेमेंद्र कश्मीर में हुए, उन्होंने लोक प्रकाश लिखा, उसमें लोक प्रकाश में उन्होंने क्या क्या बातें की, सारा संस्कृत साहित्य, और उस साहित्य को जनमानस तक लाना पड़ेगा, उसके बाद ही परिवर्तन होगा। क्योंकि जब हमारे पास लिटरेचर नहीं होगा, रिव्यू ऑफ लिटरेचर हम कहते हैं ना, हम वेस्टर्न रिव्यू करते हैं क्योंकि वो अंग्रेजी में उपलब्ध है, आसानी से आप उसको पढ़ सकते हैं, कम से कम ये जो हमारा संस्कृत साहित्य है, कम से कम हिंदी में तो आ जाए, और उसके बाद आप देखिए कि उसको फिर अंग्रेजी में भी ले जाइए। प्राइमरी रिसोर्सेज को हमें, जो हमारे भारतीय रिसोर्सेज हैं, चाहे वो जैन दर्शन से हैं, चाहे वो बौद्ध से हैं, या कहीं से भी हैं, वो भारतीय हैं, वो अखिल भारतीय हैं, और शैव तो है ही है, वैष्णव तो है ही है, ये अलग अलग समय पर, ये केवल धर्म के आधार पर नहीं थे, ये कोई शास्त्र सम्मति नहीं थे, ये समाज में कौन सी अंडरकरंट्स थी उनकी भी विवेचना करते थे। इन सबको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। यहाँ कई लोगों ने बड़े प्रश्न उठाए, वाकई में इसमें जो महिलाओं की बात हुई, क्या उस समय में यहाँ पर महिलाओं की क्या स्थिति थी, कश्मीर में ललेश्वरी हुई, कश्मीर में रूप भवानी हुई, में या फिर अंधाल हुई बाहर, तो अक्का महेश्वरी बाहर हुई, इन सब से हम सीख सकते हैं। प्रहलाद की कहानी, प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की कहानी, जो इसको हम क्या बच्चों के अधिकार के रूप में नहीं दे सकते, जब खुद परमेश्वर अवतरित होते हैं और उसे अपनी गोद में बिठाकर क्या संदेश देते हैं। तो ये केवल कहानियां नहीं, इनको प्रैक्टिकलाइज करना होगा। सावित्री और सत्यवान की कहानी, महर्षि अरविंद ने तो उस पर मैग्नम ओपस लिखा, ये कहानियां नहीं थी, क्योंकि हम दादा दादियों से जो कहानियां सुनते थे बिल्कुल सरल भाषा में, उसके पीछे क्या चेतना थी। जब ये बोध होगा, हम उनसे सिर्फ कहानियां मानकर रह गए, और वो चीजें जो थी वो कहानियां नहीं थी, वो आपकी सेंसिटाइजेशन हो रही थी, लेकिन अफसोस की बात है वो चीजें करिकुलम में नहीं थी। बाहर क्या होता है, बाहर जो उनकी फोक कहानियां हैं, चाहे वो मानना पड़ेगा, वो सिस्टम को बिल्कुल व्यवस्था में लाते हैं। हम यहाँ पर अपने सिस्टम को व्यवस्था में नहीं लाते, सामाजिक सिस्टम को, तभी वो टूट जाता है। पहले अमर चित्र कथा आती थी हमारे बचपन में, आज देख लीजिए नहीं है,
आज आपके पास क्या आता है। ये छोटी सी बात है, 5 रुपए का 2 रुपए का कॉमिक हमारे मस्तिष्कों में जो 90 के दशक में छोटे छोटे बच्चे थे, आज भी अमर चित्र कथा में महाभारत के छोटे छोटे सीरियल उसमें होते थे, बच्चे पढ़ते थे फिर अपने आप को आइडियलाइज करते थे, विक्रम वेताल की कहानियां चंदा मामा में चीज वहां से शुरू हुई थी लेकिन वो रह गई। तो आज तो बहुत आसान है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है। तो सबसे बड़ी डिबेट ये है कि हमें अपने स्तर पर कॉलेजेस में स्कूल्स में ऐसे सेंटर्स बनाने पड़ेंगे जहां पर हमें इस टाइप का शोध करवाना पड़ेगा, और जो प्राचार्य हैं जो स्कॉलर्स को अपने अधीन रखते हैं उनसे भी ऐसे ग्रंथों पर शोध होना चाहिए। तो ये लोग किस तरह से काम करते थे, क्योंकि हमारे पास रिसोर्स पूल की कमी नहीं है लेकिन हम रिसर्च करना नहीं चाहते, कोई हमें रास्ता नहीं बताता। अपवाद हैं कुछ लोग जो काम कर रहे हैं। अब अभिनव गुप्त को लेकर तो बहुत अखिल भारतीय चर्चा चली, क्या केवल अभिनव गुप्त थे, ये आपके क्या कहते हैं सोमानंद थे, उत्पल देव थे, बड़े लोग थे, आज सम्राट ललिता देते थे, और वैसे ही लोग बाहर से भी थे, हर प्रदेश ने दिए, इनके आपस में क्या तालमेल थे। इंटरडिसिप्लिनरी करने का यही मतलब है एनईपी का, कि हमें इन चीजों पर ध्यान देना होगा, ये सारे प्रश्न सुलझ जाएंगे। तो मानव अधिकारों की जहां तक बात है, हम भारत में इसको वेस्टर्न कंस्ट्रक्ट में देखते हैं, वेस्टर्न का मतलब उसके पीछे भी अब बहुत विघटनकारी शक्तियां काम कर रही हैं। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कतर में क्या हुआ, फीफा की बात हुई जहां जाकिर नाइक जैसे लोगों को बुलाया गया। तो आप देखिए, विश्व फुटबॉल मैच है, विश्व स्तर के लोग, जहां पर टीम स्पोर्ट्समैनशिप की बात होती है, वहां पर आपने ऐसे व्यक्ति को बुलाया, इसके पीछे क्या मंशा है। तो कहने का मतलब ये है कि लड़ाई बड़ी है, वहां पर उसको स्टेट गेस्ट का ऑनर दिया गया और हम लोग वहां प्रतिकार नहीं कर सके, इसका मतलब कहीं ना कहीं जो समस्या बहुत बड़ी है। अगर हम कहते हैं हम तीसरी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, अर्थशक्ति, तो हमें अर्थशक्ति के साथ साथ हमारे पास अर्थनीति भी होनी चाहिए, हम बात कर सकें, क्योंकि ये जो उस गुलामी की मानसिकता है इससे बाहर आना होगा, क्योंकि जो हमारे देश का शत्रु है वो केवल बाहर से नहीं, अंदर से जो हमारे विघटनकारी है उनको भी कोऑप्ट किया जा रहा। तो चेतना और शत्रु बोध तो होना चाहिए, जब शत्रु बोध होगा तो अब आपको, तब आपको अधिकार बोध भी होगा। तो शत्रु बोध बड़ा लाजमी है, हम एक स्टेट ऑफ वॉर में है, जब शत्रु हमारे साथ लड़ाई कर रहा है तो हम कैसे कंप्लेसेंट बैठ सकते हैं। तो ये विचार, वो माइंड स्पेस को जो कैप्चर करने की बात है उस पर ध्यान देना होगा। अब जमीनों को कैप्चर करना तो आसान है, माइंड को कैप्चर करना, मेरे आपके जैसे लोग उनकी बात करते हैं, ये सबसे बड़ा एक वॉर फॉर्म है जो दिमाग पर हावी होता है, क्योंकि हम पढ़े नहीं, उन्होंने हमारे शास्त्रों का अध्ययन किया और अपने हिसाब से डिस्टॉर्ट किया। अगर हमने किया होता तो शायद हम इसको रोक सकते। हमें सबसे पहले एक बहुत बड़ा कॉर्पस चाहिए जो अपने शास्त्रों का, अपने ग्रंथों का, अपनी नीतियों का अध्ययन करें, ताकि हम इस स्थिति में आ जाएं कि हम इसका प्रतिकार करें। कितने लोगों ने गीता की विभिन्न टीकाओं को देखा होगा, लोकमान्य तिलक का जो गीता रहस्य, अरविंद का जो उसके ऊपर टीका, गीता प्रेस तो बहुत अच्छा काम कर रही है, हमने गीता प्रेस की कितनी पुस्तकें, अच्छा गीता प्रेस इतनी पुस्तकें निकालती है, वो पुस्तकें कितनी करिकुलम में लाई, वहां से तो विदुर नीति भी आती है, हमने बचपन से देखी है। क्या हम ऐसा काम नहीं कर सकते जितनी देर सिस्टम न बढ़े, एक एक स्कूल एक एक कॉलेज में एनईपी के तहत गीता प्रेस की एक एक पुस्तक को ही करिकुलम में लगा लें, तो मैं समझूंगा आप देखेंगे 4-5 साल में कैसी चेतना होगी। यहां पर मैं अपनी वाणी को फिलहाल विराम दूंगा, कुछ और उसमें ऑब्जर्वेशंस आ सकती हैं तो मैं उसको उत्तर देने के लिए, उसमें समाहित होने के लिए तत्पर हूं। जी धन्यवाद डॉक्टर, बहुत हृदय से आपने और भाव से बात कही है। निश्चित रूप से जो दार्शनिक प्रभाव है वो तो दिखाई देता ही है, लेकिन फिर भी जो भाव और जो विचार आपने समन्वित करके जो अपनी बात रखी है वो वाकई प्रशंसा के योग्य है, उसके लिए मैं धन्यवाद करना हूँ। और मैं चाहूंगा कि हमारे साथ डॉक्टर अविनाश जी जुड़े हुए हैं बिहार से। डॉक्टर साहब मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, बुद्ध स्टडीज के वो विशेषज्ञ हैं। जी चाहूंगा कि संक्षिप्त टिप्पणी। जी जी सर, और क्योंकि मैं बिहार शरीफ जा रहा हूँ अपने, तो इस कारण रास्ते में नींद आ गई, एकाएक स्मरण आया कि आज वेबिनार है और मैंने खोला तो प्लस अच्छा लगा। हमारे अध्यक्ष महोदय का मैंने भाषण बड़े मनोयोग से सुना और बहुत अच्छी बातें उन्होंने कही है, और चूंकि मैं पूरी बातें सुन नहीं पाया
मैंने आख्यान, अन्यथा मेरी भी इच्छा थी इस पर कुछ बोलने की, क्योंकि मानवाधिकार के ही रक्षा के लिए मैं अपना जा रहा हूँ महाविद्यालय विश्वविद्यालय लेकर के। और ऐसी अवस्था में दो बातें हमें स्पष्ट दृष्टिगत होती है कि ये मानवाधिकार की बात, ये दूसरी है कि वो विदेशियों ने कहा और पाश्चात्य दृष्टिकोण से उन सारी चीजों को गढ़ा गया। लेकिन हमारे अध्यक्ष महोदय ने बड़ी अच्छी बातें की कि चूंकि उन लोगों ने मेरे शास्त्रों को पढ़ा है, इसलिए मानवाधिकार के क्रम में उन्होंने बहुत सारी बातों हमारे शास्त्रों से भी लिया हुआ है। ये मानवाधिकार की जो बात होती है वो कांट के जो कहता है कि हर व्यक्ति को एंड समझना चाहिए, और ह्यूमन डिग्निटी की जो बात करता है तो हमारे भारतवर्ष में जो ह्यूमन डिग्निटी की बात होती है गीता में स्पष्ट कहती है ईश्वर सर्वभूतानां हृदये से अर्जुन तिष्ठति ब्राह्म्या सर्वभूतानि यंत्रारूढानि माया। और चूंकि हर व्यक्ति के हृदय में हर व्यक्ति ब्रह्म का मूर्त रूप है, इस कारण ही क्योंकि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, इस कारण ही उस अगर डिग्निटी को हम संरक्षित करना चाहते हैं तो उस पर मानवाधिकार ही हमारा आधारित है। और यह प्रेरणा उन्हें भारतवर्ष के उन ग्रंथों से ही मिली है जिसे कांट कहते हैं कि हर व्यक्ति को एंड समझना चाहिए, उन्हें मींस नहीं समझना चाहिए। ऐसा इसलिए कि हर व्यक्ति में एक डिविनिटी छिपा हुआ है और उस डिविनिटी के आलोक में हमें उसका सम्मान करना चाहिए, उनके साथ व्यवहार करना चाहिए। 1948 के जो ह्यूमन डिक्लेरेशन हुआ है, ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन हुआ है, उसका भी मूल आधार यही है। और लबोलबाब हमें तो यही लगता है कि पाश्चात्य देश में जो मानवाधिकार की परिकल्पना की गई है उसके मूल में और उसकी आत्मा में ह्यूमन डिग्निटी है, जो प्रत्यक्ष या परोक्ष जो भी कहें वो भारतीय चेतना से ही ली गई है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबों का अभिवादन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, और विशेष करके अपने अध्यक्ष महोदय जी का अभिनंदन करता हूँ। और बड़ा अच्छा लगा आपसे आपके आख्यान को सुनकर। अध्यक्ष जी धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत आभार, आपने फिर भी समय निकाला और अपनी बात हमारे साथ साझी की है, उसके लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और किसी की कोई अभी भी कोई जिज्ञासा, कोई टिप्पणी शेष हो तो कृपया हमारे साथ साझा कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों का ये संवाद करने का प्रयास अधिक रहता है बजाय इसको कि हम इसको बहुत औपचारिक रूप दे दें। तो यदि अभी भी किसी के कोई टिप्पणी, कोई मन में शंका है या कोई और दृष्टिकोण है तो हमारे साथ संक्षेप में साझा करें, और फिर उसके बाद हम धन्यवाद ज्ञापन जो है वो प्रस्तुत करेंगे। किसी के मन में अगर कोई इस तरह का कुछ आशुतोष जी एक बात मैं कहना चाहती हूँ। जी जी, कह सकती हूँ? हाँ प्लीज मैम, ये आपका अधिकार। सर जैसे अभी डॉक्टर महेश जी ने तो बहुत ही अच्छा कहा, मतलब शब्द ही है उनकी सराहना के। लेकिन एक चीज सर मेरे दिमाग में ये है कि जैसे आप बहुत काम करते हो, आप ना हमारी ड्यूटी लगा दो, कुछ ग्रुप्स बना दीजिए 5-6 सर। ये देखो एनईपी के तहत तो छोड़ो, जो नैक का है इसमें भी हम शॉर्ट कोर्सेज बनाते हैं, पढ़ाते भी हैं उनको। और लेकिन मैंने ये देखा है कि संस्कृत के जो शॉर्ट कोर्सेज होते हैं वो बहुत कम चलाए जाते हैं। आपको, आप अपनी बात छोड़ देना सर, आपको मैं इसमें शामिल नहीं कर रही, लेकिन नॉर्मल रूप से मैं एक बात कहना चाहती हूँ। तो उसमें क्या है सर, हम जितने लोग हम संस्कृत के इस समय 22-23 जितने भी लोग बैठे हैं, कम से कम वो एक इस तरह का आप कुछ उनको क्या कहना चाहिए, कंपल्शन ही कहनी पड़ेगी सर, अब ऐसा कुछ कर दें कि वो उस शॉर्ट कोर्स को नैक के तहत ही चला दें, जिसमें हम ये सब बातें कुछ ना कुछ हम ये हिसाब रख सकें, कुछ ना कुछ इस तरह का हम कर सकें। जैसे सर मैंने पहले एक चलाया था वैदिक मैथमेटिक्स के साथ, ऐसा सर आपने अपने अपने कॉलेज में आपने मानवाधिकार के ऊपर बहुत अच्छा, बहुत कई काफी लंबा चलाया, हमारे तो शॉर्ट कोर्सेज थे। तो सर ऐसा कुछ हम कर सकते हैं, मैं अभी भी एक दो और चलाए हुए हैं, उनके मैं आपको भेज भी दूंगी सर से, बस तो वो कुछ इस तरह से हो जाए कि आपकी तरफ से हमारे लिए बाध्य बाधकता हो जाए, बस कि बाध्य है, हमें करना है। क्योंकि सर ये पता है क्या होता है, जो देखो कॉलेज में क्या होता है सर, 5-6 हैं तो वो कोई साइंस वाला चला देता है, कोई पॉलिटिकल साइंस वाला चला देता है, वो संस्कृत वाला बेचारा बैठे ही आ जाता है।
तो वो अपने आप से चलाए हम, अच्छा अपने कॉलेज में नहीं चला सकते तो कि इस तरह से कुछ ऐसी सेटिंग हो जाए तो वो शायद हम अपने बच्चों तक कुछ इस तरह का पहुंचा सकेंगे। ये मेरा एक थोड़ा सा आपसे आग्रह है कि आपकी तरफ से अगर होगा तो शायद वो मजबूत होगा। मतलब आप मुझे हिंसा करने के लिए कह रही हैं? नहीं, ये हिंसा नहीं है सर। ये हिंसा नहीं है सर। आप उसको उस सेंस नहीं, में नहीं, मैं सर की कॉलेज में हिंसा होती है तो आप ही हिंसा ही करते हैं सर। आप इसको अपना नहीं, कर्तव्य समझे। ठीक है सर, ये दृष्टिकोण का यही तो फर्क है। अधिकार भी समझे। जी 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 जी, मैं देखता हूँ। अभी एक वैसे मीटिंग अभी 2-3 दिन में रखनी है मैंने, जो एक मेजर प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस के ऊपर, उसमें फिर मैं आपको इनवाइट करूंगा, तो उसमें ये चीजें जो हैं हम लोगों ने डिस्कस करनी है, और लोग लिख भी रहे हैं वो भी शेयर आपके साथ कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू सर। जी जी, मैं जरूर आपकी बात को मान, आपको तो मैं मान देता ही हूँ। आपने तो जितना काम किया है वो तो बड़ा मुश्किल है लोगों के लिए करना। और किसी का कोई अंत में किसी की कोई टिप्पणी हो, कोई बात कहना चाहता हो, तो फिर उसके बाद हम इस कार्यक्रम को यहीं पे पूर्णता प्रदान करेंगे। कोई इसको बिल्कुल अनौपचारिक रूप से लें, आप कोई कहने में संकोच ना करें अगर कोई है तो। ओके, लगता है शायद नहीं है किसी के पास, तो चलिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ हमारे साथ जुड़ी हुई सभी संस्थाओं की ओर से, आज के मुख्य वक्ता का और हमारे साथ जुड़े हुए सभी प्रतिभागियों का, कि आप सबने बड़े धैर्य पूर्वक इन सब बातों को सुना। और इस बात के लिए भी धन्यवाद कि हम एक ऑफ बीट ट्रैक पे जाकर के हमने प्रयास किया है कि हम एक अपनी दृष्टि में परिवर्तन ला सकें, उस दृष्टि को व्यापक और सूक्ष्म भी बना सकें, और उसके माध्यम से हम ये लक्ष्य को हासिल कर सकें कि हम वर्तमान जो नैरेटिव और डिस्कोर्सेस चलाए गए थे उनको हम चुनौती दें और अपना वैकल्पिक जो डिस्कोर्स है उसको हम स्थापित कर पाएं। तो ये सारा प्रयास उसी दृष्टि से है कि मेरा ये प्रथम अधिकार है कि मैं अपनी दृष्टि से अपनी भूमि पे खड़ा होकर के मैं सारे विश्व को कैसे देखूं, ये मुझे देखना है, ये मेरा अधिकार है। मुझे वेस्ट से या दूसरी जगह से नहीं सीखना। और मैं दूसरी बात जिसको मैं स्वीकारोक्ति करना चाहता हूं वो ये है कि मैं अपना जीवन कम से कम सांस्कृतिक दृष्टि से जीना चाहता हूं, मुझे कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं जीना। कॉन्स्टिट्यूशन बहुत छोटी सी चीज है, बहुत छोटी बात है संस्कृति के संदर्भ में, विशेष रूप से भारतीय संस्कृति के संदर्भ में। और वो संविधान भी ऐसा है जिसके सांस्कृतिक आधार तो कोई है ही नहीं, क्योंकि कभी हम लोग देखते नहीं है। अगर आप ठीक रूप से अगर भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो ये वो वैसा संविधान है जिसमें ना भारत परिभाषित है ना इंडिया परिभाषित है, न देश परिभाषित है न लोगों की आस्थाएं परिभाषित हैं, ये उस तरह का संविधान है। तो वो भी एक हमारे लिए चुनौती है कि हम उसको सांस्कृतिक आधार प्रदान करें उस संविधान को जिसकी जड़ें नहीं है। और दूसरा, तो जैसे मैं स्वीकार करता ही हूं कि मैं अपनी संस्कृति की दृष्टि से जीना चाहता हूँ, सांस्कृतिक मूल्यों के आधार पर जीना चाहता हूँ, और उस सांस्कृतिक मूल्यों में वो जड़ चेतन सब कुछ उसमें समाहित होता है। तो इसलिए मेरे लिए मानवाधिकार की बात करना ही बड़ा विचित्र सा लगता है, लेकिन क्योंकि अब परिस्थितियां वैसी बन चुकी हैं, हमारा यथार्थ वैसा बना दिया गया है, तो उसे हमें स्वीकार करना ही होगा। तो लेकिन जो भी स्वीकार करना है उसके लिए हम विकल्प बनाकर रखें ताकि आने वाले भविष्य में जो पीढ़ियां हैं उनको हम वो विकल्प प्रदान करके जाएं, और हो सके तो कल वो भारतीय मानवाधिकार का प्रारूप जो है वो देश में प्रतिष्ठित हो, समाज में प्रतिष्ठित हो, विश्व में प्रतिष्ठित और सुस्थापित हो पाए। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आज के दिन आप सभी लोग जुड़े, अपना समय निकाला और इस चर्चा में प्रतिभागिता की, और निश्चित रूप से आप लोग कुछ ना कुछ ग्रहण करके ही जा रहे होंगे, डिस्टर्ब कर होके जा रहे होंगे, और पुनः विचार के लिए मैं फिर आप लोगों को आमंत्रित करूंगा जल्दी ही, शीघ्र ही।
और अगला हमारा जो विषय रहेगा वो रहेगा विचार की अनिवार्यता और अपर्याप्तता। उसका एक भाग हम कर चुके हैं, दूसरा भाग जो है वो हम जल्दी ही लगभग अगले हफ्ते या उसे अगले हफ्ते में टेकअप करेंगे। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं पुनः आप सभी का धन्यवाद करता हूँ और आभार ज्ञापित करता हूँ। हम फिर मिलेंगे, और यदि आप में से किसी ने फॉर्म नहीं भरा है, मैडम मीनाक्षी ने जो है वो लिंक शेयर किया हुआ है चैट बॉक्स में, प्लीज आप भर दीजिएगा और अपने स्टूडेंट्स से भी बेशक भरवा लीजिएगा, चैट बॉक्स में से कॉपी करके उसको भर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद डॉक्टर महेश जी सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, यू कैन लीव द मीटिंग नाउ, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू मैडम। आप कहाँ से मैडम? सर मैं लिंग्विस्टिक डिपार्टमेंट पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से हूँ। ओके 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 ठीक है। आप इसी तरह के जो प्रोग्राम है वो ऑर्गेनाइज करते रहें ताकि हम